गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लैंडस्केप ऑफ द सोल इस चैप्टर के आगे के भाग को हम पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने चाइनीज पेंटिंग और यूरोपियन पेंटिंग के बारे में पढ़ा था। चाइनीज पेंटिंग में हमने ये देखा था कि जो चाइनीज पेंटर है वो ये चाहता है कि जो देखने वाला व्यक्ति है वो अपने तरीके से उस पेंटिंग को देखे, किंतु यूरोपियन पेंटिंग में हमको ये बताया गया था कि जो चित्रकार है, जो पेंटर है, वो ये चाहता है कि आप उसके आँखों को उधार लेकर, मतलब उसके नज़रिए से हम जो उसने बनाया है, जो पेंटिंग उसने बनाया है, हम उस तरीके से उस पेंट का क्या करें, आकलन करें। तो हम आगे देखते हैं कि इस पेंटिंग को, जो चाइनीज़ पेंटिंग है या यूरोपियन पेंटिंग को, किससे तुलना की गई है या उसके बारे में आगे हमको क्या बताया जा रहा है। तो आप पेज नंबर 36 का पहला पैराग्राफ देखेंगे। दिस कॉन्सेप्ट इज एक्सप्रेस एज सेंस सुई। ये जो विचारधारा है, मतलब जो चाइनीज पेंटिंग और यूरोपियन पेंटिंग की जो विचारधारा है, उसको एक सेंसुई की विचारधारा के द्वारा क्या किया गया, व्यक्त किया गया। और यहाँ पर बताऊँ मैं कि ये सेंसुई जो वर्ड है वो एक चाइनीज वर्ड है, और इस विचार को सेंसुई के रूप में क्या किया जा रहा है, प्रकट किया जा रहा है। किसके, कौन सी पेंटिंग के लिए? चाइनीज पेंटिंग के लिए। लिटरली माउंटेन वाटर विच यूज टूगेदर रिप्रेजेंट द वर्ल्ड लैंडस्केप। यहाँ पे बताया जा रहा है कि इसका शाब्दिक अर्थ है माउंटेन ऑफ वाटर, यानी कि सेंसुई का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है, माउंटेन ऑफ वाटर। माउंटेन मीन्स पर्वत और वाटर मीन्स पानी। विच यूज टूगेदर रिप्रेजेंट द वर्ल्ड लैंडस्केप, और ये दोनों जो वर्ड है वो एक साथ किस में, लैंडस्केप, लैंडस्केप में क्या किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं। लैंडस्केप क्या होता है, एक प्राकृतिक भू दृश्य होता है ना। जब भी हम प्राकृतिक किसी चीज, प्राकृतिक रूप से चित्र बनाते हैं या प्राकृतिक वातावरण का जब चित्र बनाते हैं तो वहाँ पर पानी आ जाता है, माउंटेन पर्वत का हम चित्र बनाते हैं। तो यहाँ पर भी एक सेंसुई वर्ड की विचारधारा को व्यक्त किया गया है, और ये सेंसुई जो है उसका जो शाब्दिक अर्थ हमको बताया जा रहा है वो क्या है, वाटर और माउंटेन। और इन दोनों का प्रयोग किस में किया जाता है, आपके लैंडस्केप में किया जाता है। मोर देन टू एलिमेंट्स ऑफ एन इमेज दिस रिप्रेजेंट टू कॉम्प्लीमेंट्री पोज। और किसी भी चित्र में दो या दो से अधिक तत्व हो सकते हैं, किंतु ये जो तत्व हैं वो एक दूसरे के क्या होते, प्रति विपरीत होते हैं। जैसे माउंटेन जो है वो बिल्कुल वाटर से क्या है, विपरीत है। अब कैसे विपरीत है, रिफ्लेक्टिंग द डॉइस्ट व्यू ऑफ द यूनिवर्स। जिस प्रकार से डॉइस्ट की कल्पना ये दिखाता है कि माउंटेन और वाटर एक दूसरे से बिल्कुल क्या है, अलग है। हमने वो डायोजी का नाम पढ़ा था, और उसकी कल्पना ये बताते हैं, उसके विचार ये बताते हैं कि माउंटेन जो है वो वाटर से बिल्कुल क्या है, अलग है। द माउंटेन इज यंग, यहाँ पर जो माउंटेन है उसको यांग कहा गया है, और यांग भी क्या है, चाइनीज वर्ड है। तो माउंटेन को यहाँ पर यांग बताया जा रहा है कि माउंटेन जो है वो यांग है। रीचिंग वर्टिकली टूवर्ड्स हेवन, और ये जो यांग है, जो माउंटेन है, वो हमेशा वर्टिकल होता है। वर्टिकल आपको मालूम होगा, वर्टिकल मतलब सीधी इकाई। तो वो जो यांग है वो वर्टिकल रूप में रहता है और आकाश की ओर रहता है ना। हेवन मीन्स यहाँ पर स्वर्ग या आकाश, आकाश की ओर रहता है वो। स्टेबल, स्थिर रहता है, वार्म गर्म रहता है, एंड ड्राई इन द सन, और सूर्य की तरह क्या रहता है, शुष्क, ड्राई रहता है। वाइल द वाटर, जबकि पानी को यहाँ पर क्या बताया गया, यी है ना, नाम आप याद रखेंगे। माउंटेन को क्या बताया जा रहा है, यांग बताया जा रहा है, और वाटर के लिए प्रयोग किया जा रहा है यी। ये दोनों वर्ड यांग और यिन जो है वो चाइनीज वर्ड है। तो वाइल द वाटर इज यिन, जबकि पानी जो है वो यिन है। हॉरिजेंटल, और उसकी उपस्थिति कैसे रहती, पानी कैसे सरफेस में कैसे बहती है, हॉरिजेंटल रूप में, क्षैतिज रूप में। तो यिन जो है वो हॉरिजेंटल रहती है। एंड रेस्टिंग ऑन द अर्थ, और पृथ्वी पर क्या करती है, विश्राम करती है। फ्लूड, मॉइस्ट एंड कूल, और जो यिन की जो प्रकृति होती है वो बहते रूप में होती है। फ्लूड मतलब
बहाव रहता है उसमें मॉइस्ट नमी रहती है और कूल और क्या रहती है ठंडी रहती है। हमको वैसे ही मालूम है कि पानी का जो नेचर होता है वो ठंडा होता है ना, और वो बहते रूप में लिक्विड के रूप में होती है। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि माउंटेन को यांग के नाम से पुकारा जा रहा है जो कि हॉरिजेंटल है ना, वार्म है, गर्म है, और पानी को किस वाटर को किसके नाम से, यीन के नाम से पुकारा जा रहा है, और जो कि कहाँ क्या है, हॉरिजेंटल है, क्षैतिज है ना, और कूल है, ठंडी है। एंड इट्स काउंटर पार्ट यांग, और ये यांग की क्या होती, सहभागी होती, कौन, यीन जो है वो यांग की सहभागी होती है। एक्टिव एंड मस्कुलाइन, जो यांग होता है वो सक्रिय होता है और क्या होता है मस्कुलाइन, और पुरुष प्रजाति का होता है, यानी कि पहाड़ को माउंटेन को एक्टिव बताया गया है यहाँ पर और मस्कुलाइन और पुरुष की प्रजाति बताई गई है। इज ऑफ कोर्स फंडामेंटल नोशन ऑफ डायोसिया, और ये जो है वो दोनों ही क्या है, एक डाउजी की बुनियाद है, मैंने डाउजी की जो कल्पना के आधार पर माउंटेन और किसको बताया गया, वाटर को यहाँ पर बताया जा रहा है, वो दोनों ही डाउजी के जो कल्पनाएं हैं उसका आधार है। व्हाट इज ऑफन ओवरलुक्ड इज एन फंडामेंटल, व्हाट इज ऑफन ओवरलुक्ड एज एन इसेंशियल थर्ड एलिमेंट, द मिडिल वॉइड वेयर देयर द इंटरेक्शन टेक्स प्लेस। यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि ये जो तीसरा स्थान है, व्हाट इज ऑफन ओवरलुक्ड, और हम अक्सर क्या करते हैं, ऐसे स्थान को नज़रअंदाज करते हैं जो तीसरा स्थान होता है, बोल रहे हैं ना इसेंशियल थर्ड एलिमेंट मतलब तीसरा स्थान होता है, यानी कि माउंट और वाटर के बीच है ना, यांग और यिंग के बीच कोई ना कोई तीसरा हिस्सा होता है, तीसरा स्थान होता है जो बिल्कुल क्या होता है, खाली होता है, और जिसको हम क्या करते हैं, नज़रअंदाज करते हैं। द मिडल वर्ल्ड वेयर देयर इंट्रैक्शन टेक प्लेस, और इसी स्थान पर, इसी खाली स्थान पर, इसी शून्य स्थान पर इन दोनों क्या करते हैं, आपस में मिलते हैं, कौन, माउंटेन और वाटर, यहाँ पे बताया जा रहा है ऐसा। दिस कैन बी कंपेयर्ड विद द योगिक प्रैक्टिस ऑफ प्राणायाम, और इसको हम किससे, एक योगिक अभ्यास प्राणायाम से हम क्या कर सकते हैं, इसकी तुलना कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर माउंटेन और वाटर को, जिसको यांग और यिन कहा जा रहा है, उसको किससे तुलना की जा रही है, हमारे प्राणायाम। प्राणायाम क्या होता है, ब्रीथ इन रिटेन ब्रीथ आउट, आप देखे होंगे हम ध्यान जब करते हैं तो प्राणायाम करते हैं, या योगा जब हम करते हैं तो प्राणायाम करते हैं, जिसमें हम सांस है ना, ब्रीथ इन, सांस को ऊपर लेते हैं, रिटेन रोकते हैं, एंड ब्रीथ आउट, और सांस को क्या करते हैं, छोड़ते हैं, उसी को क्या का नाम दिया जा रहा है, प्राणायाम का नाम दिया जा रहा है। और इसी प्राणायाम को किससे, आपके माउंटेन और वाटर से क्या की जा रही, तुलना की जा रही, और ये कहीं ना कहीं चाइनीज पेंटिंग से क्या है, रिलेटेड है। द सस्पेंशन ऑफ ब्रीथ इज द वॉइड वेयर द मेडिटेशन ऑक्योर, और यहाँ पर बताया जा रहा है श्वास को रोकना ही, जो प्राणायाम जब हम करते हैं तो जब हम श्वास को रोकते हैं तो ये जब सांस को रोका जाता है जो, तो जो शून्य स्थान होता है जहाँ पर हम सांस को रोकते हैं वो स्थान क्या कहलाता है, ध्यान का केंद्र कहलाता है, हम वहाँ पर ध्यान में चले जाते हैं है ना। दिस मिडिल वॉइड इज एसेंशियल, नथिंग कैन हैपन विदाउट इट, और ये जो शून्य स्थान है वो काफ़ी अनिवार्य है, एंड नथिंग कैन हैपन विदाउट इट, और इसके बिना कुछ भी संभव नहीं हो पाता है। Hence the importance of the white and unpainted space, the Chinese landscape. इसलिए सफ़ेद रंग का अपना एक अलग महत्व होता है, और वो किस पर, बिना पेंट किए हुए खाली स्थान का अपना क्या होता है, महत्व होता है, यानी कि यहाँ पर बता रहे हैं कि जिस प्रकार से चाइनीज पेंटिंग में आपको तो कहीं ना कहीं चित्रकारी नज़र आएगी चाइनीज पेंटिंग में, किंतु कहीं ना कहीं वहाँ पर सफ़ेद रंग भी दिखाया जाता है, तो वो जो सफ़ेद रंग है वहाँ पर बताया जा रहा है कि उसका अपना महत्व होता है, जिस प्रकार से माउंटेन और वाटर के बीच जो
खाली स्थान रहता है। या यहाँ पर प्राणायाम के लिए बता रहे हैं कि जब हम प्राणायाम करते हैं तो सांस को जब लेते हैं और छोड़ते हैं, तो जो थोड़ी देर के लिए हम सांस को छोड़ने से पहले जो हम रुकते हैं, है ना, सांस को होल्ड करके जो हम रखते हैं, ये सभी चीज़ों का अपना अलग क्या है, महत्व है, है ना। तो यहाँ पर भी चाइनीज पेंटिंग के साथ तुलना करते हुए बता रहे हैं कि चाइनीज पेंटर जब बनाते हैं अपने चित्र में, चित्रकारी जब बनाते हैं, तो कुछ चीज़ों को बनाते बनाते वो सफ़ेद रंग को भी वहाँ पर छोड़ते हैं, और वो सफ़ेद रंग का अपना क्या होता है, एक अलग महत्व होता है। और उसी सफ़ेद रंग को हमको उस सफ़ेद रंग में या सफ़ेद जो वहाँ पर भाग रहता है उसको देख कर हमको चाइनीज पेंटिंग में जो कहा जा रहा है, जो बताया जा रहा है, उसको हमको क्या करना पड़ता है, समझना पड़ता है। दिस इज ऑल्सो वेयर मैन फाइंड्स अ फंडामेंटल रूल्स, और यहीं पर मनुष्य की अपनी एक मूल क्या है, भूमिका है। इज दैट स्पेस बिटवीन हेवन एंड अर्थ ही बिकम्स द कंडक्ट ऑफ कम्युनिकेशन विद बिटवीन बोथ पोल्स ऑफ द यूनिवर्स। और यहाँ पर जो स्पेस, जो जगह है, किसके बीच, हेवन और अर्थ के, हेवन मीन्स आकाश और अर्थ मीन्स पृथ्वी, आकाश और पृथ्वी के बीच जो दोनों ब्रह्मांड के बीच जो दोनों जो ध्रुव हैं, है ना, उसमें उसके बीच जो संचार का माध्यम है, जो कम्युनिकेशन का माध्यम होता है, वो कौन होते, मानव होते। यानी कि पृथ्वी, है ना, अर्थ और क्या बताया जा रहा है, हेवन मतलब आकाश और पृथ्वी के बीच जो संचार का माध्यम हो रहा है, उसमें मनुष्य की बहुत क्या है, महत्वपूर्ण भूमिका है। यानी कि मनुष्य काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। His presence is essential even if it is not, it is only suggested, और उसकी उपस्थिति उतनी ही जरूरी है चाहे उसका आभासी क्यों ना हो, चाहे हम आभासी क्यों ना करें व्यक्ति के बारे में, किंतु उसकी उपस्थिति वहाँ पर बहुत क्या है, जरूरी है। फार फ्रॉम बीइंग लॉस्ट और अप्रेस्ड बाय द लॉफ्टी पीक्स, यहाँ पर बताया जा रहा है चाहे मानव ऊंची ऊंची पर्वत चोटी से दबा ही क्यों नहीं दिया जाए, किंतु वहाँ पर उसकी उपस्थिति काफ़ी क्या है, जरूरी है। ही इज द फ्रांसिस्को सैंक्स वंडरफुल एक्सप्रेशन द आई ऑफ द लैंडस्केप, और इसके बारे में एक फ्रांसिस्को सैंक्स नाम के एक व्यक्ति हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छे से इसको एक्सप्रेस किया है, इसके बारे में बताया है। द आइस ऑफ लैंडस्केप, और उसने अपनी बुक में, है ना, द आइस ऑफ लैंडस्केप करके एक बुक है, और उसने ये बताया है कि जो लैंडस्केप की आंखें जो होती है वो कौन होता है, मनुष्य होता है। यानी कि उसने इसको मनुष्य को महत्व देते हुए, मानव को महत्व देते हुए बोल रहा है कि वो माउंटेन और सॉरी हेवन और अर्थ, है ना, जिसको माउंटेन या वाटर कहा जा सकता है, हेवन और अर्थ के बीच का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। और इसको फ्रांसिस्को जो सैंक्स हैं, है ना, उन्होंने अपनी एक बुक द आइस ऑफ द लैंडस्केप के माध्यम से हमको क्या किया है, बताया है। अब यहाँ पर जितना हमने पढ़ा वो एक्सट्रैक्ट फ्रॉम लैंडस्केप ऑफ द सोल, ये एक चैप्टर है, है ना, एक बड़ी सी बुक है लैंडस्केप ऑफ द सोल, उसका एक भाग को यहाँ पर हमको क्या किया गया, बताया गया। चलिए आगे देखते हैं। गेटिंग इनसाइड आउटसाइडर आर्ट, यहाँ पर आप देखेंगे पेज नंबर 37 में सबसे लास्ट में कुछ लिखा है, बृंदा सूरी, हिंदुस्तान टाइम्स, 28 अगस्त 2005। यहाँ पर ये जो हमको पैराग्राफ एक बॉक्स के अंदर जो हमको दिया गया है वो एक आर्टिकल के रूप में दिया, आर्टिकल में जैसे न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ छपी रहती है छोटे छोटे रूप में, उसी प्रकार से आर्टिकल के रूप में दिया है। और ये 28 अगस्त 2005 में प्रकाशित हुई थी हिंदुस्तान टाइम्स पेपर में, और इस आर्टिकल को लिखने वाले कौन थे, बृंदा सूरी नाम के एक व्यक्ति। तो चलिए हम देखते हैं इस आर्टिकल में क्या कहा गया है। हमको यहाँ पर ये आर्टिकल क्यों दे रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं चाइनीज पेंटिंग, यूरोपियन पेंटिंग के बारे में जब बात हो रही है, तो यहाँ पर भारतीय कला, है ना, भारतीय जो इंडियन जो क्षेत्र है, है ना, अपने भारत में कौन सी कला यहाँ पर आई, कौन सी कला का यहाँ पर आरंभ हुआ, उसके बारे में यहाँ पर हमको आर्टिकल के रूप में बताया जा रहा है। यहाँ पे देखेंगे आउटसाइडर आर्ट, आउटसाइडर आर्ट मीन्स होता है बाहरी कला।
When French painter Jean Dubuffet mooted the concept of art boat in the 1940s. यहाँ पे बता रहे हैं कि 1940 में एक पेंटर जिनका नाम जीन डुबुफेट था, उन्होंने पहली बार किसके बारे में, आर्ट रूट के बारे में हमको क्या किया था, बताया था. यहाँ पे आउटसाइडर आर्ट या जो आर्ट रूट है वो एक ही नाम है ना. तो यहाँ पर हमको पहली बार जीन डुफिटेड नाम के एक चित्रकार थे, उन्होंने 1940 में इस कला के बारे में अपने विचार को उन्होंने व्यक्त किया था. द आर्ट ऑफ द अनप्रिंट विजनरी वॉज माइनॉरिटी इंटरेस्ट. और जब इस कला, और ये कला ऐसी कला थी जिसके बारे में कोई जानता नहीं था और कोई इसमें क्या नहीं था, माहिर नहीं था. फ्रॉम द ऑलमोस्ट वैलिड बिगनिंग्स आउटसाइडर आर्ट वॉज हैज ग्रेजुअली बिकम द फास्टर ग्रोइंग एरिया ऑफ इंटरेस्ट इन कंटेम्प्रेरी आर्ट इंटरनेशनली. और यहाँ पर बता रहे हैं कि ये जो बाह्य कला थी वो धीरे धीरे गुप्त रूप से, है ना, एक पर्दे के पीछे हम बोल सकते हैं, एक पर्दे के पीछे छुपी हुई थी. और इसका आरंभ धीरे धीरे हुआ, और जब इसका आरंभ धीरे धीरे हो रहा था तो ये भारत में, है ना, या इंटरनेशनली रूप से ये क्या बन गई, लोगों की क्या बन गई, रुचि बन गई इस कला के प्रति. दिस जेंट्री इज डिस्क्राइब एज द आर्ट ऑफ दोज हु हैव नो राइट टू बी द आर्टिस्ट. यह कला विशेष रूप से उस समय उन लोगों तक पहुंचाई गई थी या तब लोगों के बीच आई थी जब इस कला में कोई भी क्या नहीं था, माहिर नहीं. They had received no formal training. और जिस और इस कला को जो भी स्टार्ट किया था, जो लोग जो जुड़े हुए थे वो इसमें पूरी तरह से क्या नहीं थे, औपचारिक रूप से क्या नहीं थे, प्रशिक्षित नहीं थे. Yet show talent and artistic insight. और वे फिर भी उन्होंने आंतरिक रूप से और बाह्य रूप से इस कला का उन्होंने क्या किया, प्रदर्शन किया. यानी कि जब ये कला प्रारंभ हुई थी तो लोग जो इससे जुड़ रहे थे वो पूरी तरह से प्रशिक्षित नहीं थे, फिर भी उन्होंने इस कला को आंतरिक रूप से और बाह्य रूप से उन्होंने एक गति क्या की थी, प्रदान की थी. देयर वर्क्स आर द स्टिमुलेटिंग कंट्रास्ट टू अ लॉट ऑफ द मेन स्ट्रीम ऑफरिंग. और ये जो कार्य था वो बहुत सी कलाओं का क्या करते थे, स्टिमुलेटिंग कंट्रास्ट, विरोध करते हुए आगे की ओर क्या कर रहे थे, बढ़ रहे थे. मतलब कई कलाएं हमारे भारतीय जो क्षेत्र है या भारत में कई कलाओं का जन्म हुआ, कई कलाएं अलग अलग प्रकार की जो आर्ट है उसका प्रारंभ हुआ, किंतु ये लोगों को उत्तेजित करते हुए, मतलब लोगों को दूसरी कलाओं के लिए प्रेरित करते हुए लोग इसका विरोध भी करते थे, और वो धीरे धीरे ये जो आर्ट बोर्ड की जो कला है वो धीरे धीरे आगे क्या होती गई, बढ़ती गई. अराउंड द टाइम डुबुफेट वॉज द प्रोपाउंडिंग हिज अ कॉन्सेप्ट. जब उस समय जब डुबुफेट जब अपने विचार को, जब वो विचार के बारे में जब हम प्रचार ही कर रहे थे, इस आर्ट के बारे में जब लोगों को बता ही रहे थे इन इंडिया, तो कहाँ, भारत में एन अनट्यूटर्ड जीनियस वॉज क्रिएटिंग पैराडाइज. तो एक अप्रशिक्षित प्रतिभाशाली एक व्यक्ति था जो क्या कर रहा था, एक स्वर्ग का निर्माण कर रहा था. यानी कि जब जीन डुबुफेट अपने इस कला का जब प्रसार कर रहे थे, तब भारत में भी एक व्यक्ति था जो एक पैराडाइज, एक स्वर्ग का निर्माण कर रहा था. ईयर एगो द लिटिल पैच ऑफ जंगल दैट ही बिगैन क्लियरिंग टू मेक हिमसेल्फ अ गार्डन स्कल्प्टेड विथ स्टोन एंड द रिसाइकल मटेरियल. और यहाँ पे बता रहे हैं कि ईयर एगो उसने कई साल क्या किया, लिटिल पैच ऑफ जंगल, उसने जो जंगल थे उसको स्वयं क्या किया, साफ किया और एक गार्डन में बदला, और वहाँ पर विथ स्टोन एंड अ रिसाइकल मटेरियल, और वहाँ पर पत्थर और रिसाइकल मटेरियल मीन्स क्या होता है, जिसका हम फिर से यूज़ कर सकते हैं. यानी कि रिसाइकलिंग करके हम किसी प्रोडक्ट को फिर से जब यूज़ करते हैं तो उसको रिसाइकल मटेरियल कहा जाता है ना, जब वेस्ट चीज़ को फिर से उपयोग किया जाता है तो रिसाइकल मटेरियल कहा जाता है. तो यहाँ उस गार्डन में, है ना, उन्होंने सबसे पहले एक
जो जंगल था उसको स्वयं क्या किया, साफ किया, एक गार्डन के रूप में बदला, है ना, जिसको पैराडाइज कहा जा रहा है, स्वर्ग कहा जा रहा है। और वहाँ पर स्टोन का और रिसाइकल मटेरियल का उन्होंने क्या किया, प्रयोग किया। इज नोन टू द वर्ल्ड टुडे एज अ रॉक गार्डन, जिसको दुनिया रॉक गार्डन के नाम से अब जानती है, एस चंडीगढ़, और जो कहाँ स्थित है, चंडीगढ़ में स्थित है। यानी कि जो चंडीगढ़ में रॉक गार्डन जो था वो पहले जंगल था, और उसको उस जंगल को किसने, एक व्यक्ति ने क्या किया था, एक गार्डन के रूप में बदला था, और उस गार्डन में स्टोन, है ना, पत्थरों का और रिसाइकल मटेरियल का उन्होंने क्या किया, प्रयोग किया, और वही क्या कहलाया, आर्ट ब्रू कहलाया। इट्स 18 ईयर्स ओल्ड क्रिएटर डायरेक्टर निक चन इज हाउ हेल्प एज द इंडियंस बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर टू आउटसाइडर आर्ट। और ये जो व्यक्ति है, जिस व्यक्ति की हम अभी बात कर रहे हैं, जिसने एक स्वर्ग का, एक गार्डन का जो निर्माण किया, वो 80 साल के थे हैं, जिनका जो क्रिएटर डायरेक्टर नेक चंद, और उनका नाम क्या है, नेक चंद है, और वो यानी कि रॉक गार्डन के जो डायरेक्टर हैं, क्रिएटर हैं, उनका नाम नेक चंद है, जिस व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं। और उन्होंने किसके लिए, हमारे इंडियंस बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर टू आउटसाइडर आर्ट, और उन्होंने आउटसाइडर आर्ट के क्षेत्र में काफ़ी क्या दी, भारत के लिए काफ़ी योगदान प्रदान की। द 50 इशू स्प्रिंग 2005 ऑफ रॉफिज्म यूके बेस्ड मैगजीन पियोनर इज आउटसाइडर आर्ट पब्लिशर्स फीचर्स नेक चंद। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक 50वें स्प्रिंग 2005 द रॉ विजन, जो यूके बेस्ड मैगजीन है ना, पियोनर की, यहाँ पर बता रहे हैं यूके बेस्ड मैगजीन पियोनर की, जो जिसका नाम रॉ विजन है, उसने अपने 50वें स्प्रिंग 2005 में क्या किया, इन आउटसाइडर आर्ट पब्लिकेशंस फीचर्स नेक चंद। उसने नेक चंद का जो उन्होंने जो बनाया था आर्ट ब्रूट से संबंधित, जो उस कला से संबंधित जो चित्र चित्र बनाया था, जो उन्होंने रिसाइकल मटेरियल या स्टोन का जो प्रयोग किया था, उसका उन्होंने क्या किया, प्रकाशन किया। एंड इज अ रॉक गार्डन स्कल्पचर वूमेन बाय द वाटरफॉल ऑन इट्स एनिवर्सरी इशू अ कवर, और उन्होंने अपनी वर्षगांठ में, जो पहली वर्षगांठ थी, उसमें उन्होंने एक वूमेन बाय द वाटरफॉल, मतलब नेक चंद ने रॉक गार्डन में एक स्कल्पचर मीन्स एक आकृति दिखाई थी, जैसा कि चित्र में आप देख सकते हैं, वहाँ पर उन्होंने रॉक गार्डन में इस प्रकार की आकृति बनाई है उस गार्डन में, है ना, वेस्ट मटेरियल का प्रयोग करके, और उसके स्कल्पचर को, है ना, वुमेन बाय द वाटरफॉल करके स्कल्पचर था, है ना, उसको उन्होंने अपने जो मैगजीन, है ना, मैगजीन के फर्स्ट कवर में, जो पहला जो कवर रहता है, उसमें उन्होंने क्या किया था, छापा था। द नोशन ऑफ आर्ट ब्रूट और रॉ आर्ट वॉज द वर्क्स दैट वर इन देयर द रॉ स्टेट एज द रिगार्ड्स कल्चरल एंड आर्टिस्टिक इन्फ्लुएंस। यहाँ पे बोल रहे हैं एक धारणा जो कि आर्ट ब्रूट, या फिर उसको हम रॉ आर्ट के नाम से जाना जाता है, कहा जाता है, यानी कि आर्ट ब्रूट और रॉ आर्ट एक ही प्रकार की कला है, और दोनों को एक ही नाम से जाना जाता है। वेयर द देयर रॉ स्टेट इन द रिगार्ड कल्चरल एंड आर्टिस्ट इन्फ्लुएंस, और जिसका सांस्कृतिक और कलात्मक जो प्रभाव था वो काफ़ी कच्ची अवस्था में दिखाई दे रहा था, ना ही जो आर्ट ब्रूट और जो रॉ आर्ट था उसमें पूरी तरह से कलात्मक और किस प्रकार का सांस्कृतिक प्रभाव क्या नहीं हो रहा था, दिखाई नहीं दे रहा था, अभी भी वो शुरुआत था, आरंभ था, इसलिए कच्ची अवस्था में ये कला दिखाई दे रही थी। एनीथिंग एवरीथिंग फ्रॉम अ टीन टू अ सीन टू अ ब्रोकन डाउन कार कुड बी मटेरियल फॉर द वर्क ऑफ आर्ट, और इस आर्ट में एनीथिंग एंड एवरीथिंग, है ना, किसी चीज़, कोई भी चीज़ हो, एवरीथिंग, कुछ भी हो, चाहे वो टीन से लेकर सिंक क्यों ना, सिंक में जहाँ पर बर्तन वर्तन धोया जाता है, और टीन, है ना, जो धातु होती है, उस टीन से लेकर सिंक तक जो भी टूटा फूटा चीज़ का हम क्या कर सकते थे, इस आर्ट में, इस कला में हम उसको क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते थे। समथिंग नेक चंद
हैज टेकन ऑर्डर डिजिंग हाइट, जिसने नेकचंद को एक चौंकाने वाली हाइट पर, ऊंचाई पर क्या कर दिया था, पहुंचा दिया था। रिकॉग्नाइजिंग हिसार एज एन आउटसाइडिंग टेस्टिमनी ऑफ द डिफरेंस अ सिंगल मैन कैन मेक व्हेन ही लीव्स हिज ड्रीम, यहाँ पर बोल रहे हैं। और ये उनका ऐसा आर्ट था जो ये सबूत दे रहा था कि एक अकेला व्यक्ति क्या कर सकता था, बहुत कुछ अलग कर सकता था दूसरे लोगों से, और अपने सपने को क्या कर सकता था, पूरा कर सकता था, यानी पूरा करने का ठान। यदि कोई व्यक्ति अकेला किसी कार्य को करना चाहे तो अकेला व्यक्ति अपने को अपने सपने को पूरा कर सकता है, यदि वो क्या कर ले, दृढ़ संकल्प कर ले। The Swiss Commission for UNESCO will be the honoring him by way of the European exploration of his works. और Swiss कंपनी जो कि UNESCO की एक कमीशन है ना, Swiss Commission एक UNESCO की कमीशन है, और उन्होंने उसको सम्मान देने के लिए, उसको सम्मानित करने की, उनके कार्य को सम्मानित करने की योजना बनाई, या सम्मानित करने वाले होंगे। द 5 month इंटरेक्टिव शो, और इसके लिए उन्होंने 5 महीने का एक इंटरेक्टिव शो प्रारंभ किया, और ये जो शो था उसका नाम था रिलिम ऑफ नेचर। क्या नाम था? रिलिम ऑफ नेचर नाम का उन्होंने, यूनेस्को की एक कमीशन है स्विस कमीशन, और उन्होंने 5 month का एक प्रोग्राम आयोजित किया जिसका नाम रिम्स ऑफ नेकचंद है। और बिगनिंग अक्टूबर विल बी हेल्ड द लीडिंग म्यूजियम इन स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, फ्रांस एंड इटली। और ये कब प्रारंभ होने वाला था? अक्टूबर महीने में। और कहाँ के म्यूजियम में? स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, फ्रांस और इटली के म्यूजियम में ये क्या होने वाला था, ये प्रोग्राम प्रारंभ होने वाला था। किसके सम्मान में? नेकचंद के सम्मान में। द बिगेस्ट रिवार्ड इज द वॉकिंग थ्रू द गार्डन एंड सीइंग पीपल एंजॉय माय क्रिएशन, नेकचंद से। और आखिरी में नेकचंद ने ये कहते हैं कि मेरा सबसे बड़ा इनाम ये है कि जब लोग उस गार्डन में घूमते हैं और जब मेरी कलाकृतियों को देखते हैं और जब उसका आनंद उठाते हैं, तो ये सबसे बड़ा क्या है, मेरा सम्मान है, ऐसा उन्होंने कहा है। और इस आर्टिकल को किसने लिखा था? वृंदा सूरी। मतलब हमको कुछ आर्टिकल न्यूज़पेपर का, किसी आर्टिकल को जैसा उस समय लिखा गया था उसको वैसा क्या वैसा उठा के इस बुक में क्या कर दिया गया, छाप दिया गया। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि हमको यूरोपियन आर्ट के बारे में, यूरोपियन पेंटिंग के बारे में, चाइनीज़ पेंटिंग के बारे में तो बताया जा रहा है, किंतु भारत में कला का प्रारंभ हुआ था जिसमें नेकचंद का काफ़ी योगदान था, उस कला को है ना, जिसको आउटसाइडर आर्ट के नाम से जाना जा रहा है, उस कला को भी यहाँ पर हमको क्या किया गया, एक आर्टिकल के माध्यम से बताया गया है।